जी सर क्या कहने जाएंगे इस तरह से? देखिए मैं डॉक्टर दुष्यंत, जनरल सेक्रेटरी जम्मू डॉक्टर्स फोरम, मेरे साथ खड़े हैं डॉक्टर आलसी शर्मा, हमारे चेयर के बड़े सीनियर गायनेकोलॉजिस्ट हैं। आपको जैसे कि मालूम होगा थोड़े दिन पहले केजरी साहब के एक MLA जो हैं डोडा में जीते हैं, हम उनको भी अपने डॉक्टर फोरम के तहत बधाई देते हैं और केजरीवाल साहब को भी बधाई देते हैं अपनी पार्टी का, वो एक्सपेंड कर रहे हैं डोडा में भी। डोडा जैसी जगह में केजरीवाल साहब मेरे मुताबिक पहली दफा आए होंगे और आके उस धन्यवाद रैली में एक स्टेटमेंट इशू करते हैं कि आज भी यहाँ की औरतें मजबूर हैं मेल गायनेकोलॉजिस्ट को दिखाने के लिए, यहाँ पे एक फीमेल गायनेकोलॉजिस्ट नहीं है। क्या वो कहना चाहते हैं केजरीवाल साहब? डॉक्टर के लिए मेल क्या है, फीमेल क्या है, हिंदू क्या है, मुस्लिम क्या है, कोई मायने नहीं रखता। आप हमारे गायनेकोलॉजिस्ट को क्या कहते हैं कि मतलब मेल गायनेकोलॉजिस्ट काम भी करते हैं? आज भी जम्मू शहर की अगर आप टॉप गायनेकोलॉजिस्ट देखें तो वो मेल गायनेकोलॉजिस्ट है। हमारे जो गायनी का डिपार्टमेंट जब जम्मू मेडिकल कॉलेज में 1974-75 में शुरू हुआ, जो पहला HOD हेड ऑफ द डिपार्टमेंट गायनी का था, ही वॉज अ मेल मेंबर, डॉक्टर बाकलू साहब जो थे वो कितनी देर रहे। उसके बाद डॉक्टर कस्तूरीलाल एक मेल गायनेकोलॉजिस्ट हेड ऑफ द डिपार्टमेंट बने और वही डॉक्टर कस्तूरीलाल प्रिंसिपल मेडिकल कॉलेज बने। मेरे साथ खड़े हैं डॉक्टर RC शर्मा, जिन्होंने अपनी जिंदगी की 90% नौकरी की है जो दूर दराज रजौरी पुंछ नशहरा उस बेल्ट में की है। ये कहना कि मेल गायनेकोलॉजिस्ट को दिखाना, आप उस डॉक्टर के तहत सोचिए जब अगले दिन सुबह वो हॉस्पिटल गया होगा उस पर क्या बीता होगा, ह्यूमन उसकी साइकोलॉजी क्या रही होगी। खुद केजरीवाल साहब IIT दिल्ली के प्रोडक्ट हैं, एक चीफ मिनिस्टर रह चुके हैं नेशनल कैपिटल दिल्ली के, उनके तहत ये स्टेटमेंट दिया। बिल्कुल भी हम जम्मू डॉक्टर फोरम के तहत ये स्टेटमेंट कंडेम करते हैं और हम रिक्वेस्ट करते हैं अपने मीडिया साथियों के तहत इसको बढ़ चढ़ के दिखाएं ताकि केजरीवाल साहब एक माफी मांगे, लिखित माफी मांगे उस डॉक्टर तबके से और डोडा के उस डॉक्टर से माफी मांगे जिसकी उन्होंने उस विजय रैली में खुशी के तौर पे एक बेइज्जती की है। सर क्या नाम है और क्या कहना चाहेंगे? मैं तो गायनेकोलॉजिस्ट हूँ, 35 साल हो गए मेरे को गायनी का काम करते करते। तो मैं परिवरी के मैं रहा हूँ, रजौरी में हेड किए मैंने गायन सेक्टर, नशहरा में और सुंदरमणी में, और मैं गांधीनगर से 3 साल सर्विस करके रिटायर हुआ। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि गायनी सब्जेक्ट सिर्फ डेलीवरी नहीं है, गायनी बहुत बड़ा सब्जेक्ट है, यहाँ मेल का बहुत बड़ा रोल है। अगर मैं मेल गिनना चाहूँ तो पूरा दिन लग जाएगा। तो हमारी जो किताबें लिखी हुई हैं जिससे हम डॉक्टर बने हैं वो मेल हैं, और उसके बाद में कई इंस्ट्रूमेंट आज़ाद हुए हैं जो मेल ने किए हैं, कई प्रोसीजर ऐसे हैं जो लाइफ सेविंग है तो वो मेल ने किए हुए हैं। तो हमारे पास कोई मेरे को ऐसी प्रॉब्लम नहीं है। मेल फीमेल की पेशेंट का अगर आप प्रॉपर्ली देखो, मेल फीमेल आपके पास आती है, मेल के पास आती है, पेशेंट का कॉन्फिडेंस जो है वो जितना होता है। बाकी ये है कि ये स्टेटमेंट देना, आजकल तो देखिए आजकल जो जेंडर फ्री दुनिया जा रही है, हमारी आर्मी में भी लड़कियाँ आ रही हैं, हमारी पुलिस में हैं, बाकी डिपार्टमेंटों में हैं, IAS में हैं, ITS में हैं, तो ये हेल्थ डिपार्टमेंट तो बड़ी देर से हैं। तो हमारा जो डिपार्टमेंट मिक्स होता है, यहाँ नर्सेज भी होती हैं टीमें, बाकी डॉक्टरियाँ भी होती हैं, डॉक्टर भी होते हैं, सारे होते हैं, मेल फीमेल इकट्ठा ही काम करते हैं। तो इसलिए उनको आजकल की दुनिया में आके ये स्टेटमेंट देना कि यार लड़कियाँ जो हैं औरतें जो हैं मजबूर हैं किसी मेल गायनेकोलॉजिस्ट डॉक्टर के पास जाने के लिए, तो ये गलत है, इसको हम कंडेम करते हैं।